नमस्कार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरे हुए 10 दिन हो चुके हैं। अब सबको 4 जून का इंतज़ार है, जब वीवीपैट में बंद कई नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। पूरे देश में बीजेपी ने इस बार 400 पार का कैंपेन चलाया है, तो राजस्थान में मिशन 25 का। अगर बीजेपी यह कर पाती है तो इस बार बीजेपी राजस्थान में क्लीन स्वीप की हैट्रिक भी लगा देगी। लेकिन ऐसा इस बार शायद नहीं हो पाएगा। इस बात को खुद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने भी अब स्वीकार कर लिया है। खुद बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार गृहमंत्री अमित शाह ने यह बात स्वीकारी है। एक निजी टीवी चैनल में दिए इंटरव्यू में बीजेपी के चाणक्य ने माना है कि बीजेपी को राजस्थान में 1 से 2 सीटों का नुकसान होना तय है। अब अमित शाह के इस बयान के बाद बीजेपी में और ज्यादा टेंशन बढ़ गई है, खलबली मच गई है। वहीं कांग्रेस का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। अब बीजेपी नेता तो उन 2 सीटों पर विचार करने में जुटे हैं जहां हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कांग्रेसी ये दावा कर रहे हैं कि 2 सीटें नहीं हैं जहां वे जीत रहे हैं, बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं जहां वह जीत का डंका बजाने वाले हैं। दरअसल राजस्थान में पहले फेज की वोटिंग परसेंटेज घटने के बाद बीजेपी को टेंशन पड़ गई थी। इसके बाद बीजेपी ने राजस्थान में एक सर्वे भी करवाया था, जिसमें यह बातें सामने आई कि कांग्रेस राजस्थान में कई सीटों पर बीजेपी को फाइट कर रही है। इस बार चुनाव में राष्ट्रवाद की जगह स्थानीय मुद्दों का जोर रहा। महंगाई, बेरोजगारी के साथ स्थानीय विकास और जातिवाद चुनावों पर हावी रहा। हालांकि देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में पिछले चुनावों से बिल्कुल हटकर चीज़ें नजर आई। बीजेपी के खिलाफ मुद्दों की रणनीति में अभी तक फैल रही कांग्रेस इस बार पूरे जोश में नजर आई। इस बार बीजेपी सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप भी लगाया। आरक्षण के मुद्दे को भी कांग्रेस ने जमकर राजस्थान में तूल दिया और कहा कि बीजेपी अगर इस बार 400 सीटें ले आई तो आरक्षण को ख़त्म कर देगी। और इसका इम्पैक्ट भी रहा SC ST OBC वोटर्स पर। और भी कई फैक्टर्स हैं जिसमें बीजेपी के नेताओं की पुरानी अदावतें हावी रही, जिसको कांग्रेस ने चुनावों में एनकैश किया। अब चर्चा है कि जिन 2 सीटों पर बीजेपी खुद स्वीकार कर रही है कि वह हार रही है, वे कौन सी हैं। तो पहली सीट है बाड़मेर। बाड़मेर सीट पूरे देश में चर्चा का विषय रही और इसे चर्चित बनाया है निर्दलीय युवा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने। बीजेपी विचारधारा से प्रेरित भाटी को पहले बीजेपी ने शिव विधानसभा से टिकट नहीं दिया और निर्दलीय जीत गए वे। फिर लोकसभा का टिकट मांगा, नहीं मिला तो चुनाव मैदान में फिर कूद गए और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। बीजेपी से यहाँ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं तो कांग्रेस से यहाँ उम्मेदाराम बेनीवाल हैं। कैलाश चौधरी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं तो उम्मेदाराम जाट समाज के कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की RLP से इन्हें तोड़ लिया था पहले ही, हालांकि बाद में हनुमान बेनीवाल भी गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं। खैर, इस त्रिकोणीय मुकाबले में सीधे फाइट उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी की मानी जा रही है। माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी को भारी नुकसान पहुँचाया है। हालांकि भाटी ने अमीन खान से समर्थन लेकर कांग्रेस को भी अल्पसंख्यक वोटर्स का नुकसान दिया है, क्योंकि सीट पर वोटिंग परसेंटेज पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा 76% रही है। ऐसे में ज़्यादा संभावना यह है कि बाड़मेर को बीजेपी लूज कर रही है। दूसरी सीट जो बीजेपी के हाथों से निकली नज़र आ रही है वो है शेखावाटी अंचल की चूरू लोकसभा। यहाँ राहुल कस्वा बनाम राजेंद्र राठौड़ की अदावत में कांग्रेस कूद पड़ी। 2 बार के बीजेपी सांसद राहुल कस्वा का टिकट कटा तो कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। कस्वा पूरे दम के साथ इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। स्थानीय सर्वे में यह बात सामने आई है कि कस्वा का टिकट कटने से उनके समर्थकों में नाराजगी थी और कस्वा के प्रति सिंपैथी, और उन्होंने इस सिंपैथी की लहर पर सवार होकर चुनाव लड़ा है। हालांकि राहुल कस्वा पीढ़ियों से बीजेपी से जुड़े रहे हैं, उन्होंने चुनाव में सीधे इस बार मोदी पर कभी अटैक नहीं किया। माना जा रहा है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट तैयार की है उनमें वह 5 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस यहाँ शेखावाटी की 3 सीटों सीकर, झुंझुनू और चूरू पर अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं बाड़मेर के साथ ही दौसा लोकसभा सीट पर भी जीत का दावा कर रही है। दौसा लोकसभा सीट भी काफ़ी चर्चाओं में रही है। यहाँ कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा के साथ जोरदार फाइट की है। मुरारी लाल मीणा ने गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर वोट मांगा है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य सीट है ये, और कांग्रेस ने आरक्षण वाला शगुफा भी यहाँ पे चल दिया था। बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन वे यहाँ भीड़ भी जुटाने में कामयाब नहीं रहे। हालांकि PM मोदी ने यहाँ खुद रोड शो किया,
जबकि मुरारीलाल मीणा को सचिन पायलट के साथ ही सभी स्थानीय नेताओं का साथ मिला। दौसा लोकसभा सीट पायलट की पारिवारिक सीट मानी जाती है और उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा से लगाकर इसका प्रचार किया था। इसके अलावा अब भी कांग्रेस मानती है कि 5 से 7 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को वे सीधी कड़ी टक्कर दे रही हैं। खासतौर से नागौर में बीजेपी की ज्योति मिर्धा को इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल टक्कर दे रहे हैं। भरतपुर लोकसभा सीट पर भी संजना जाटव का जोर ज़्यादा नजर आ रहा है। टोंक सवाई माधोपुर में भी इस बार जौनपुरिया के सामने कांग्रेस के हरीश मीणा ने अच्छी फाइट की है। यहाँ के अल्पसंख्यक वोटों का फायदा कांग्रेस को मिलना तय बताया जा रहा है। उसके साथ ही कांग्रेसियों का दावा है कि यहाँ ये टोंक विधायक पायलट के चलते यहाँ गुर्जर समुदाय के वोटर्स को भी तोड़ने में वे कामयाब रहे हैं। इस सीट पर राजस्थान में सबसे कम वोटिंग हुई है। इसके अलावा जोधपुर लोकसभा सीट पर दो दिग्गजों की सीधी टक्कर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा टक्कर दे रहे हैं। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जोधपुर में उनको पहली बार एक बुद्धिजीवी नेता मिला है जो मुद्दों पर तर्कसंगत बात करता है, मंच पर खुलकर बोलता है। वहीं जोधपुर में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही लोगों का कहना है कि पूरे देश को पानी पिलाने वाले गज्जू बना गजेंद्र सिंह शेखावत मारवाड़ को पानी नहीं पिला पाए। कुल मिलाकर बीजेपी 25 में से 25 सीटें जीतने का दावे पर अब बैकफुट पर आ गई है। अब 4 जून को रिजल्ट आने हैं। असली नफा नुकसान उस दिन सामने आ ही जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा।